पश्चाताप एक ऐसा भाव जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। हम सभी को कभी ना कभी इस एहसास ने जकड़ा है कि अतीत में मुझसे गलतियां हुई हैं और अपने पास्ट की उन गलतियों को सोचकर आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो हमेशा अपने अतीत की बातों को सोच सोच कर ये सोचता रहता है कि मैं सही मार्ग पर चलने के लिए नहीं बना, ऊपर वाले ने मेरा जीवन दुखों के लिए ही बनाया है। और इस पश्चाताप के नीचे वो दबता रहता है और घुट घुट कर जीता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या वो पूरी जिंदगी इसी पश्चाताप के नीचे दबा रहेगा, ऐसे ही घुट घुट कर सांसें लेता रहेगा? क्या जिस आदमी ने अपने अतीत में गलतियां कर दी उसके लिए भविष्य में कोई मुक्ति नहीं है, कोई सच्चे धर्म का मार्ग नहीं है? तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इस कहानी को आखिर तक सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि एक इतना बुरा आदमी जब इतने अच्छे मार्ग पर चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते। और आपको पता चलेगा कि हर आदमी को हक है अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का, एक नया मार्ग बनाने का और मुक्ति के मार्ग पर चलने का सबको हक है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब बुद्ध श्रावस्ती में प्रविष्ट हुए तो सारा नगर भूत बस्ती बना हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों को बंद किए हुए बैठे थे और सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी। बुद्ध उस घर के आगे खड़े हुए थे जहां उन्हें हमेशा भिक्षा मिल जाया करती थी। दरवाजा खटखटाने के बाद घर के दंपति ने जरा सा दरवाजा खोला और सेंध में से देखा कि बुद्ध खड़े हुए हैं। वो गृहस्वामी दौड़कर बाहर आया और बुद्ध से भीतर आने का अनुरोध किया। बुद्ध के घर में घुसते ही गृहस्वामी ने दरवाजे पर सांकल चढ़ा दी और बुद्ध से बैठ जाने और भीतर ही बैठकर भोजन करने का आग्रह किया। उसने कहा कि मान्यवर, आज बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। इस इलाके में हत्यारा अंगुलीमाल देखा गया है। कहते हैं कि इसने दूसरे इलाकों में बहुत से लोगों की हत्या कर दी है। जब भी वो किसी की हत्या करता है तो उसकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में डाल लेता है। लोगों का कहना है कि यदि उसने अपने गले की माला में 100 उंगलियां कर ली तो उसकी मायावी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि वो जिस आदमी की हत्या करता है उसकी कोई भी चीज चुराता नहीं है। राजा प्रसन्नजीत ने उसे पकड़ने के लिए सैनिकों और पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात कर रखी हैं। बुद्ध ने पूछा, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने सैनिकों को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी? वो आदमी कहता है कि आदरणीय गौतम, अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। उसमें युद्ध करने का अद्भुत कौशल है। एक बार 40 लोगों ने उसे सड़क पर घेर लिया था। उसने अधिकांश लोगों को मार डाला था और शेष लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए थे। अंगुलीमाल जालिनी वन में रहता है और कोई भी उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिन पहले 20 सशस्त्र सैनिक उसे पकड़ने के लिए जंगल में घुसे थे, किंतु उनमें से 2 ही बचकर लौट सके। अब वो इस नगर में देखा गया है, अतः कोई भी ना तो बाहर निकलता है और ना ही दुकान या काम पर जाने की हिम्मत करता है। अंगुलीमाल के विषय में जानकारी देने के लिए धन्यवाद करते हुए बुद्ध उठ खड़े हुए और चलने के लिए विदा मांगी। गृहस्वामी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बुद्ध भीतर ही रहें आप, किंतु बुद्ध नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रति लोगों का विश्वास तभी बनाए रख सकूंगा जब सामान्य रूप से भिक्षाटन करना जारी रखूं। इसके बाद बुद्ध धीरे धीरे सचेतावस्था में मार्ग पर पग बढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने दूर से भाग कर आते किसी आदमी की पदचाप सुनाई दी। वो समझ गए कि वो अंगुलीमाल ही है। उनके मन के अंदर जो भी घटित हो रहा था उसके प्रति पूर्ण सजग बुद्ध मंद पगों से आगे बढ़ते रहे। तभी अंगुलीमाल पीछे से चिल्लाया, हे भिक्षो, रुक जाओ। लेकिन बुद्ध फिर भी आगे बढ़ते रहे। उनकी पदचाप से वो समझ गए कि अंगुलीमाल भागने की बजाय तेज कदमों से चलने लगा है और वो उनसे अधिक दूर नहीं है। यद्यपि बुद्ध 56 वर्ष के हो गए थे, किंतु उनकी दृष्टि और सुनने की शक्ति पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रखर हो गई थी। उनके हाथ में भिक्षा पात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वो ये याद करके मुस्कुराने लगे कि युद्ध विद्या सीखते समय वो कितने तेज और फुर्तीले थे। कोई दूसरा आदमी उन पर आघात नहीं कर सकता था। बुद्ध समझ चुके थे कि अंगुलीमाल एकदम पास आ गया है और उसके हाथ में तलवार है, लेकिन फिर भी बुद्ध सहजतापूर्वक चलते रहे।
तेज चलकर अंगुलिमाल बुद्ध के समीप आ गया और बोला, हे भिक्षु, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, रुके क्यों नहीं? बुद्ध ने चलते चलते ही कहा, अंगुलिमाल, मैं तो बहुत समय पहले स्थिर हो चुका हूँ। अंगुलिमाल बुद्ध के इस असाधारण उत्तर से सकपका गया। उसने बुद्ध का मार्ग रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बुद्ध ने अंगुलिमाल की आंखों से आंखें मिलाई तो वो और भी ज्यादा सकपका गया। बुद्ध की आंखें दो तारकों की भांति ज्योतिर्मान थी। अंगुलिमाल का सामना ऐसे आदमी से अब तक नहीं हुआ था जो इतना तेजस्वी और इतना सहज हो। हर कोई उससे डरकर भाग जाता था। इस भिक्षु को किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो रहा था। बुद्ध उसकी ओर ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई मित्र या भाई हो। बुद्ध ने उसका नाम लिया था, जिसका अर्थ है कि वो जानता है कि अंगुलिमाल कौन है। उसने सोचा कि निश्चय ही ये आदमी मेरी खूंखार प्रवृत्ति का ज्ञान रखता है। एक हत्यारे को सामने देखकर ये इतना शांत और सहज कैसे हो सकता है? अंगुलिमाल बुद्ध की कृपालु और सदाचार पूर्ण दृष्टि को अधिक सहन नहीं कर सका तो बोला, भिक्षु, तुमने कहा था तुम तो बहुत समय पहले स्थिर हो चुके हो, किंतु तुम तो अब भी चल रहे हो। तुमने कहा था कि मैं ही नहीं रुका हूं, इससे तुम्हारा क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अंगुलिमाल, मैंने दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म करना बहुत पहले बंद कर दिए हैं। मैंने मनुष्यों की ही नहीं प्राणी मात्र की रक्षा करना सीख लिया है। अंगुलिमाल, सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, सभी को मृत्यु का डर लगता है। हमें करुणापूर्ण हृदय और प्राणी मात्र की रक्षा करने की भावना जगानी चाहिए। अंगुलिमाल ने कहा, मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता, तब मैं अन्य लोगों से प्रेम क्यों करूं? मनुष्य निर्दयी और धोखेबाज होते हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सबको मार ना दूं। बुद्ध ने सहजता से कहा, अंगुलिमाल, तुमको लोगों के हाथों बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। कभी कभी तो मानव बहुत ही क्रूर हो जाता है। ये क्रूरता अज्ञान, घृणा और द्वेष के कारण होते हैं, किंतु लोग समझदार और करुणा से भी पूर्ण होते हैं। तुम कभी किसी भिक्षु से मिले हो? भिक्षुओं ने अन्य सभी प्राणियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली होती है। उन्होंने इच्छाओं, घृणा और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने का वचन लिया होता है। भिक्षु का ही नहीं, अन्य लोगों का जीवन भी समझदारी और प्रेम पूर्ण हो सकता है। अंगुलिमाल, यदि संसार में क्रूर आदमी होते हैं तो अन्य प्रकार के लोग भी होते हैं। अंधे मत बनो। मेरा सद्धर्म मार्ग क्रूरता को करुणा में बदल देता है। घृणा के मार्ग पर तो तुम चल ही रहे हो, तुम्हें रुकना चाहिए। इसके स्थान पर तुम्हें क्षमा, ज्ञान और प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए। इन बातों ने अंगुलिमाल के हृदय में कुछ कुछ पैदा किया, लेकिन इतने सालों से जो वो जीवन जी रहा था वो उस पर फिर से हावी हो गया। उसने आक्रोश में आकर कहा कि हे भिक्षु, तू जानता नहीं है मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ। मैं कितना बड़ा हत्यारा हूँ, इस इलाके के लोग तुम्हें बता देंगे। मैं 100 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा लेकर जी रहा हूँ और मेरा अगला शिकार तुम ही होने वाले हो। इस पर बुद्ध ने सहज भाव से कहा कि अंगुलिमाल, तुम उस पेड़ को देख रहे हो? अंगुलिमाल ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? बुद्ध ने कहा, किसकी शाखा को तोड़ना तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी तोड़ सकता है, एक बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन उसको जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अपने आप को सबसे अलग आदमी समझते हो, लेकिन तुम लोगों को मारते हो, और मारना तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई भी चाकू या छुरी लेकर किसी को मार सकता है, लेकिन किसी आदमी के प्राण बचाना, ये सच में एक अद्भुत बात होती है। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो लोगों की रक्षा करो, उनके प्राण बचाओ, ना कि उनके प्राण लो। अंगुलिमाल भिक्षु के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु उसके दिमाग में उलझन पैदा हो गई। उसे अकस्मात लगा जैसे उसे चीर कर खोल दिया गया हो और उसके घावों पर नमक लगा दिया गया हो। बुद्ध के मन में ना तो घृणा थी और ना तिरस्कार भाव। बुद्ध अंगुलिमाल को इस प्रकार देख रहे थे जैसे वो उस आदमी को आदर का पात्र समझ रहे हों। तो क्या ये भिक्षु गौतम है जिसे लोग बुद्ध कहते हैं? अंगुलिमाल ने पूछा, क्या आप भिक्षु गौतम हो? बुद्ध ने स्वीकृति सूचक सर हिलाया। अंगुलिमाल ने कहा, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मेरी आपसे भेंट इससे पहले नहीं हुई। मैं विनाश के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब मेरे लिए उस स्थान से लौट पाना संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, नहीं अंगुलिमाल,
अच्छा काम करने के लिए कोई भी समय विलंबपूर्ण नहीं होता। मैं क्या अच्छा काम करने योग्य रह गया हूँ? बुद्ध ने कहा कि घृणा और हिंसा के मार्ग पर चलना बंद करो, यही सबसे बड़ा काम होगा। अंगुलिमाल, दुख सागर बहुत विशाल है, किंतु पीछे की तरफ देखोगे तो किनारा दिखाई दे जाएगा। अंगुलिमाल ने कहा, गौतम, यदि मैं चाहूं भी तो अब पीछे नहीं मुड़ सकता। मैं जो कुछ कर चुका हूं उसके बाद मुझे कोई भी शांतिपूर्वक नहीं रहने देगा। बुद्ध ने अंगुलिमाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंगुलिमाल, यदि तुम अपनी घृणा त्याग दो और सद्धर्म के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नए सिरे से जीवन यापन और दूसरों की सेवा करने की प्रतिज्ञा करो। ये सहजता से जाना जा सकता है कि तुम समझदार आदमी हो। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम निर्वाण के मार्ग पर सफल हो सकोगे। इस पर अंगुलिमाल ने कहा कि हे बुद्ध, आप तो मुझे अपनी शरण में ले लेंगे, लेकिन यहाँ के राजा मुझे मृत्युदंड दिए बिना नहीं मानेंगे। मैंने इतने लोगों की हत्याएं की है, क्या उसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी? इस पर बुद्ध ने कहा कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अंगुलिमाल ने बुद्ध के समक्ष नमन किया। उसने अपनी पीठ पर बंधी तलवार खोलकर जमीन पर रख दी और बुद्ध के चरणों में प्रणत हो गया। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढककर सिसकना आरंभ कर दिया। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और बुद्ध से कहा, मैं कुमार्ग छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपका अनुसरण करूंगा और करुणा का पाठ आपसे सीखूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना ले। उसी समय वहां बुद्ध के दूसरे भिक्षु भी पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध और अंगुलिमाल के चारों ओर घेरा बना लिया। बुद्ध को सुरक्षित और अंगुलिमाल को प्रवज्ञा लेने के लिए उद्दत देखकर उनके हृदय आनंद से भर उठे। बुद्ध ने अपने एक भिक्षु से भिक्षुओं के कपड़े और अन्य वस्त्र देने को कहा। उन्होंने एक दूसरे भिक्षु से कहा कि पास के घर से कुछ तरह मांग लो जिससे अंगुलिमाल के सर के बाल उतार सकें। अंगुलिमाल को वहीं पर तत्काल प्रवज्ञा दे दी गई। उसने नमन किया और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के शब्दों का उच्चारण किया। अगले 10 दिनों तक भिक्षुओं ने उसे ध्यान करना सिखाया और भिक्षाटन की पद्धति समझाई। इसके बाद एक दिन बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। उनके साथ अंगुलिमाल सहित अन्य भिक्षु भी थे। नगर द्वार पर उन्होंने राजा प्रसन्नजीत को देखा जो सैनिकों के एक दल के साथ घोड़े पर सवार थे। राजा और सेनापति पूरी तरह से युद्ध की तैयारी के साथ थे। राजा ने जब बुद्ध को देखा तो घोड़े से उतरकर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बुद्ध ने पूछा, महामहिम, क्या कुछ घटित हो गया है? क्या किसी दूसरे राज्य की सेना ने आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया है? राजा ने उत्तर दिया कि कौशल राज्य पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। मैंने ये सैनिक हत्यारे अंगुलिमाल को पकड़ने के लिए इकट्ठे किए हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, अभी तक कोई उसे पकड़ नहीं सका है। वो 2 सप्ताह पूर्व नगर में देखा गया था। मेरी प्रजा अब भी उसके डर में जी रही है। बुद्ध ने कहा कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि अंगुलिमाल इतना भयंकर है? राजा ने कहा, बोधिसत्व, अंगुलिमाल प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बालक के लिए खतरा है। जब तक मैं उसे ढूंढकर मार नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बुद्ध ने पूछा, यदि अंगुलिमाल अपने किए पर पश्चाताप करे और कभी हत्या ना करने का वचन दे, यदि वो भिक्षु बन गया हो और प्राणी मात्र का आदर करने लगा हो, तब भी क्या उसे पकड़कर मार डालने की आवश्यकता रह जाएगी? राजा कहता है, गुरुवर, यदि अंगुलिमाल आपका शिष्य बन गया है और हिंसा त्यागने का शील अपना लिया है, यदि वो भिक्षु का शुद्ध एवं हानिकारक जीवन जी रहा है, तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। मैं न केवल उसको जीवन दान दूंगा, वरन उसे मुक्त भी कर दूंगा। मैं उसे कपड़े, भोजन और औषधियां प्रदान करूंगा, किंतु मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकेगा। बुद्ध ने अंगुलिमाल, जिसका नाम अब अहिंसक हो गया था, उसकी ओर संकेत किया जो उनके पीछे ही खड़ा हुआ था और कहा, ये भिक्षु और कोई नहीं अंगुलिमाल ही है। इसने भिक्षु के शीलों का आचरण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। पिछले 2 सप्ताहों में ये एकदम दूसरा ही प्राणी बन गया है। राजा प्रसन्नजीत ने जब पाया कि वो भयानक हत्यारे के इतने समीप खड़े हैं तो आतंकित हो गए। बुद्ध ने कहा, अब इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, अब हम इसे अहिंसक कहते हैं। राजा ने बड़ी देर तक अंगुलिमाल को कठोर दृष्टि से देखा, फिर उसको नमन किया और पूछा, आदरणीय भिक्षु,
आपका किस परिवार में जन्म हुआ था? आपके पिता का नाम क्या था? महामहिम, मेरे पिता का नाम गर्ग और मेरी माता का नाम मंतनी था। भिक्षु गर्ग मंतनी पुत्र, कृपया मुझे कपड़े, भोजन और औषधियां प्रदान करने की अनुमति दीजिए। अहिंसक ने उत्तर दिया, महामहिम, मेरे पास 3 कपड़े हैं। मैं प्रतिदिन भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करता हूँ और अभी मुझे किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे ये सब देने का प्रस्ताव रखा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। राजा ने नए भिक्षु को पुनः नमन किया। उसके बाद बुद्ध को संबोधित करके बोला, बोधिसत्व, आपकी तेजस्विता वास्तव में अद्भुत है। आपने उन स्थितियों में शांति और सद्भाव स्थापित किया है जो कोई दूसरा नहीं कर पाया, जिसे दूसरे लोग शक्ति और हिंसा के द्वारा काबू नहीं कर पाए, उसे आपने अपनी महान कृपालुता से संभव बना दिया है। कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। राजा ने सेनापतियों से कहा कि वे सेना को विसर्जित कर दें और सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके बाद राजा स्वयं भी लौट गए। दोस्तों, एक मानव हत्या से बढ़कर कोई भी बुरा काम नहीं होता। मानव हत्या हमारे कानून में, हमारे संविधान में सबसे ऊंचा बुरा कर्म माना जाता है। उसके लिए सबसे कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं। जब अंगुलीमाल जैसा इतना खतरनाक हत्यारा अपने उस कर्म को छोड़कर, अपने उस मार्ग से परे हटकर सद्भाव के मार्ग पर चल सकता है, सत्य के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है और अपने आप को बिल्कुल विपरीत में बदल सकता है, तो हमने तो ना किसी की हत्या की है और ना ही किसी के साथ कोई बुरा काम किया है। तो हम छोटी छोटी गलतियों को लेकर, छोटी छोटी अपने अतीत की बीती हुई छोटी गलतियां जो अब कोई मायने नहीं रखती, उन गलतियों से पश्चाताप में डूबकर अपना भविष्य, अपना आगे का मार्ग खराब कर देते हैं। इसके विपरीत ये होना चाहिए कि हमें अपने आगे का मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आगे का मार्ग एकदम सद्भाव, स्पष्ट करुणा और मुक्ति की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।